प्रकरण 8 मारे घेर आवजे मेघाणी। इंट्रोडक्शन। दरेक स्थले अलग अलग भाषा बोलाय छे। आ भाषाओ द्वारा व्यक्तिनु व्यक्तित्व प्रगट थाय छे। गामठी भाषा एटले गामडानी भाषा के पछी ग्रामीण भाषा तरीके पण ओळखाय छे। तो आवी रीते आ पाठमां गामठी बोलीनो उपयोग करवामां आव्यो छे ते आपणे जोईए। मने जोई सोमलो मूंझवणमां पड़ी गयो। विचारीने मने कहे, साहेब तमे मोटा माणस, अमारा जेवा मामूली माणसथी काम न चींधाय पण कपाण छे। नहीतर भाई साहब हूँ न कहूँ। जे कहेवू ते के, वातने वड़ चढ़ाव मां। तो साहेब मारे जाने अहींथी सीधू ચોટીલા जवू पड़े तेम छे। आ 5 રૂપિયા જરાક मारे घेर मोकलावी देजो। काई वांधो नहीं, लाव्ये। हूँ थान ચોટીલાથી बस में बेसी वतन पहुंच्यो। हूँ निकळ्यो एज वखते सोमलानी वहू अने तेना 2 બાળકો सामा मळ्या। सोमलाना नाना दीकराए मने साहेब सलाम कही सलाम भरी। मैं गौरव भेर ऊभा रहीने रुआबथी 5ની नोट खिस्सामांथी काढीने सोमलाना दीकरा तरफ फेंकी। सोमलानी वहूए तू खोई नाखीस कही नोट कब्जे करी। त्यां बैठेला सौ स्तब्ध थई गया। બપોરના કામ પતાવી સોમલો ચોટીલાથી પાછો ફર્યો। ખૂબ ભૂખ્યો થયેલો આવતા વેદ તેની વહુને કહે, ખાવા દે જે હોય તે। વહુએ રોટલો, શાક અને સાથે બીજી થાળીમાં એક મોતીચૂર લાડવો અને થોડા ગાંઠિયા પણ આપ્યા। ત્યારે સોમલાના હરખનો પાર ન રહ્યો। વહુએ હરખમાં વાત માંડી, આજ જાણે થયું એવું કે અમારે બરાબર બજારકોર જવું અને સાહેબને હાઈસ્કૂલ કોર આવવું। એમાં નાનકાએ સાહેબને સલામ ભરી તો સાહેબને શું સૂજ્યું? ખિસ્સામાંથી 5ની નોટ કાઢી નાનકા કોર ફેંકી। મેં તરત લઈ લીધી। અમે ઉપડ્યા, જેઠા કંદોની દુકાનેથી લાડવા લીધા, ઘરે ગાંઠિયા લીધા। સોમલો જેમ જેમ સાંભળતો ગયો તેમ તેમ મોડો પડતો ગયો। લેખક શાહબુદ્દીન રાઠોડ બસમાં વતન જતા હોય છે। ત્યારે सोमलो अचकाता अचकाता एनी समझण प्रमाणे मोटा माणसने 5 રૂપિયા एना घरे पहोंचाडवा कहे छे। वतन पहोंचता ज सोमलानी वहू अने तेना बाळको लेखकने सामा मळे छे। सोमलानो नानो दीकरो साहेब सलाम करी सलाम भरे छे। तेना प्रत्युत्तरमां लेखक रुआबथी 5ની नोट सोमलाना दीकरा तरफ फेंके छे। त्यां बेठेला सौ लेखकनी दिलदारी जोई स्तब्ध थई जाय छे। परिस्थितिथी अजाण समलानी वहू साहेब तरफथी बक्षीस मळे छे एम समजी कंडोईनी दुकानेथी लाडवा, गांठिया वगैरे लई आपे छे। सोमलो જ્યારે ખાતી વખતે આ હકીકત જાણે છે ત્યારે મોડો પડતો જાય છે, એટલે કે દુઃખી અને હતાશ થઈ જાય છે। લેખકે કરેલ કાર્યની જેમ સમાજમાં ઘણા લોકો પોતાની ફરજ કે જવાબદારીને દાન ધર્માદા દર્શાવીને વટ મારવાનો પ્રયાસ કરે છે। લાખાપાદર થી લોક સાહિત્ય સુધી પરિચય। ઝવેરચંદ મેઘાણીનો જન્મ 28 ઓગસ્ટ 1896 ના રોજ ગુજરાત રાજ્યના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા ગામમાં થયો હતો। તેમના પિતાનું નામ કાળીદાસ અને માતાનું નામ ધોળીબાઈ હતું। ઝવેરચંદ મેઘાણીના પિતા કાળીદાસ મેઘાણી પોલીસ ખાતામાં નોકરી કરતા હોવાથી અલગ અલગ જગ્યાએ બદલી થતી હોવાથી અલગ અલગ ગામોમાં રહેવાનું થતું હતું। ઝવેરચંદ મેઘાણીનો પ્રાથમિક અભ્યાસ રાજકોટ, દાઠા, પાળિયાદ, બગસરા, અમરેલી વગેરે જગ્યાએ થયો હતો। તેઓ અમરેલીમાં 1910થી 1912 મેટ્રિક થયા હતા। ત્યારબાદ થોડા મહિના જૂનાગઢની બહાઉદ્દીન કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો। ત્યારબાદ ભાવનગરની હાઈસ્કૂલમાં થોડા સમય શિક્ષક તરીકે નોકરી કરી તથા સાથે એમએનો અભ્યાસ પણ કરતા હતા। પરંતુ કૌટુંબિક પરિસ્થિતિના કારણે અભ્યાસ અને નોકરી મૂકીને કલકત્તા જઈને તેઓ બંગાળી સાહિત્યના પરિચયમાં આવ્યા। તે માલિક સાથે 4 મહિના માટે ઇંગ્લેન્ડ રહ્યા, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ ન ફાવતા કલકત્તા પરત ફર્યા। કલકત્તાથી પરત ફર્યા બાદ બગસરામાં સ્થાયી થયા અને સૌરાષ્ટ્ર નામના અખબારમાં લખવાની શરૂઆત કરી। તેમણે ફૂલછાપ નામના અખબારમાં લઘુકથાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું। આ સમયગાળા દરમિયાન ઝવેરચંદ મેઘાણીએ જેતપુરના દમયંતીબેન સાથે 1922માં લગ્ન કર્યા परंतु ते लग्न लांबो समय न रह्या अने 1933 में दमयंतीबेननुं निधन थयुं। 1934 साल में मेघाणी मुंबई स्थायी थया अने नेपाळना हरिहर शर्मा अने दुर्गादेवीना विधवा पुत्री चित्रादेवी साथे विवाह कर्या। त्यारबाद मुंबई में ज तेमणे जन्मभूमि नामना अखबार में कलम अने किताबना लेख लखवानी शुरुआत करी। 1936 थी 1945 ना समयगाळा दरमियान फूलछाप में संपादकनी भूमिका भजवी हती अने आजे पण फूलछाप अखबार चालू छे जे मेघाणीनी यादने आजे पण वागोड़े छे। स्वतंत्र लेख लखवानी शुरुआत करी जेमां तेमणे सौप्रथम कुर्बानीनी कथाओनी रचना करी जे तेमनुं प्रथम प्रकाशित पुस्तक हतुं। पछी तेमणे सौराष्ट्रनी रसधार लखी अने बंगाड़ी साहित्यमांथी भाषांतर करवानी पण शरूआत करी हती। सौराष्ट्रनी रसधार आजे पण लोकसाहित्यनी आबेहूब तस्वीर कंडारी रह्यु छे। ए सिंधुडो जप्त थयो, सिंधुडो जप्त थयो वात वायु वेगे प्रसरी गई। ईस्वीसन 1930 ना सत्याग्रहना आंदोलनमां ए सिंधुडाए लोकोमां देशभक्तिनो पानो चढ़ावेलो, तेथी ते वखतनी परदेशी सरकारे तेने जप्त करवो पड्यो। आ सिंधुडो ए कोई माणस नहीं, कवितानी एक चौपड़ी हती। एक तो सिंधुडोना सर्जक बुलंद कंठे गाय अने तेना काव्यो पण शौर्य जगाड़नारा, लोकोमां अहिंसक युद्ध करवानो भाव आग माफक भभूकी उठे। पछी तो ते सर्जकने राजद्रोहनो आरोप मूकीने पकड़वामां आव्या। लोकोना टोड़े टोड़ा धंधुकानी अदालतमां अने बहार उभराया। तेमने 2 वर्षनी सजा फटकारवामां आवी। त्यारे तेमणे पोताना निवेदन साथे अंग्रेजोना राजमां भारतनी गुलाम प्रजाने पड़ती तकलीफोने गूंथी लेती तेमनी कविता छेल्ली प्रार्थना गाई। हजारों वर्षनी जूनी अमारी वेदनाओं, कलेजा चीरती कंपावती अंभय कथाओ, मरेलाना रुधिरने जीवताना आंसुड़ाओ, समर्पण ए सहुतारे कदम प्यारा प्रभुओ। आ पंक्तिओए न्यायाधीशनी आंखोने पण आंसूथी छलकावी दीधी। आ सर्जक ते आपणा ઝવેરચંદ મેઘાણી 28 ઓગસ્ટ 1896 રોજ ચોટીલામાં ધોળીબાઈના કુખે એમનો જન્મ। સામાન્ય કૌટુંબિક વાતાવરણમાં તેમનો ઉછેર થયો। પિતા કાળીદાસ પોલીસ જમાદાર હતા। નોકરીને કારણે દાઠા, ચોક, ચોટીલા, બાબરા, લાખાપાદર વગેરેના ડુંગરાળ પ્રદેશમાં બદલીઓ થતી રહે એટલે બાળ ઝવેરચંદ ત્યાં પ્રાથમિક શિક્ષણ લેવાની સાથે પણ નવા નવા ગામોના ખેતરપાદર, નદી પર્વત लोको साथे दोस्ती करतो रहे। आम खोड़ानो खूंदनार पहाड़ोनो खूंदनार बनतो गयो ने मोटो थई पोताने पहाड़नो बाळक तरीके ओळखावतो थयो। रजा पड़ता ज लाखापादर थाणुं, तेनी ऊंची भेखड़ पर ए उभेलो वसमो वोंकड़ो, ते चमनियो अने बीजी तरफ जरा खसीने छुपाई जाने घूमटो काढ़ीने वहती गोमुखी गंगा ઝવેરચંદ ने गाय वाछरू ने खेंचे तेम खेंचता ए पहाड़ भेंदती नदीओना ऊंडा धराने ए डूंगरनी बखोलो तेमना बाळपणाना संगी हता। अंग्रेजी बीजा धोरण सुधीनो अभ्यास वढवाण केम्पमां थयो। पछी पिताजीनी बदली लाखापादर थई। गिरनाका पर तेमनुं नानकड़ुं पोलीस थाणुं लाखापादर, नजीकमां नजीकनुं स्टेशन एकाळे त्यांथी 30 माइल दूर। दरमियान ઝવેરચંદ बगसरानी मिडल स्कूल में भण्या। बगसरामां नानपणथी ज ઝવેરચંદે आकर्षण जमाव्युं। शाळामां नंबर तो पहेलो ज होय। आम तो शर्माळ अने ओछा बोलो आ किशोर, पण प्रार्थना ए ज गवडावे। जैनोनी पाठशाळामां स्तवनो गावानी एने रड। एकवार त्यां धर्मगुरु पासे कोई मारवाड़ी शेठ आवेला। तेमनी पासे विद्यार्थी संघे कविता गाई। 12 वर्षना किशोर मेघाणीनी ए प्रथम पद्य रचना। प्रथम पद्य रचना नेधर वंशा सपूत वेला जी तणा छे, चिमना जी नामे सुविख्यात गणाये, धन्य माता तारी जणिया कर्णावतारी, जुग जुग जीवो दानवीर प्रार्थना एक मारी। चिमना जी पासेथी छोकराओ शाळा माटे 25 રૂપિયા इनाम पण लई आव्या। साधु के शेठना एवा पद्यो गमे ते मित्र रचे, पण ए गावाना तो ઝવેરચંદે જ। आम काव्यो रचवानो शोख वधतो जतो हतो। मिडल स्कूल बाद अमरेलीनी हाईस्कूल में भणवानी व्यवस्था थई। अमरेली बगसरा थी 10-12 माइल दूर हाईस्कूलना शिक्षण माटे ઝવેરચંદ ने कोईक सगाने त्यां मूकेल। त्यां हाईस्कूल में जता कलापीना काव्योनो परिचय थयो। कलापीना काव्योए दर्दभरी रीते गाय मित्रों एमने विलापी कहे, पछी तो पोते ज विलापी उपनाम पोता माटे स्वीकारी लीधुं। मेट्रिक पास करीने ईस्वीसन 1913 में भावनगर कॉलेज में प्रवेश लीधो। कॉलेज में पोताना पोशाकथी जुदा तरी आवता आ विद्यार्थी ઝવેરચંદ तरफ सहुनु ध्यान खेंचातुं। तेमनो लांबो सफेद कोट पानी सुधी पहोंचतुं धोतियुं, माथे बगसरानो चोकड़ीवाड़ो पाछळ छोगू राखीने बांधेलो फेटो अथवा क्यारेक ऊंची दीवालनी बेंगलोरी घाटनी टोपी, पगमां स्लीपर पहेरता, बेथी दड़ीनुं शरीर, भीनो वान, टचाक जेवी मोटी ऊंडू ऊंडू निहाळती कोई गंभीर विचार करती आँखों, गुछड़ियाड़ा वाड़ अने मर्दानगीथी चालवानी छटा पण आकर्षक हती, पण स्वभाव शर्माळ, ज्वलेज बोले। जोतजोता में जनक राजा नाम पड़ी गयु। बीए में वधु सारा शिक्षणना लोभे जूनागढ़ गया, पण एक सत्र पछी पाछा ए भावनगर आवता रह्या। अंग्रेजी संस्कृत साथे ईस्वीसन 1916 में बीए पास थया। कॉलेज में ए वर्षे मेगेजीननो प्रथम अंक निकळ्यो। एमां उत्तम फाड़ो ઝવેરચંદનો हतो। ઝવેરચંદનો एमां प्रथम लेख प्रगट थयो। कौटुंबिक कारणोसर તેમણે કોલકાતા રહેવા જવું પડેલું। ત્યાં બંગાળી ભાષા શીખીને બંગાળી સાહિત્યનો પરિચય કર્યો। રવિન્દ્રનાથ ટાગોરની કવિતાની અસર થઈ, તેમણે પણ કાવ્ય રચના કરવાની શરૂઆત કરી દીધી। વચ્ચે ઇંગ્લેન્ડ પણ જઈ આવ્યા, પણ બધો વખત સૌરાષ્ટ્રની ધરતીનો અવાજ તેમના કાનમાં ગુંજ્યા કરતો હતો। પોતે પહાડનો બાળક ખરાને। કોલકાતાથી પાછા આવ્યા પછી હડાળા દરબાર, વારસુરવાડા અને बीजा मित्रों साथे कया क्षेत्र में काम करवू एवी मसलत करी, पण कोई निर्णय करी शकायो नहीं। ते रात्रे हडाड़ा दरबारे सोरठी बहारवटिया अने संतोनी वातो कही, एमां मेघाणीने पोतानुं जीवन कार्य देखायुं। ते वातो तेमणे लखवा मांडी। पछी तो तेओ अठवाडियामां 3 दिवस साहित्यनुं लेखन करे अने 3 दिवस सौराष्ट्रना गामडे गामडे रखडे ने लोक साहित्य एकठुं करे। चारणो, बारोटो, भरवाड़ो, भजनीको, काठियो, रावणहत्था भरथरीओ, घरडी दादीमाओ अने गृहिणीओने मळी तेमनी पासेथी लोकगीतोनो खजानो खोलावे। जेम बोलाय के गवाय तेमज लखी लेवू ए एमनो काम। आ रीते तेमणे जात जातनी अनेक कथाओ एकठी करी। स्त्रीओना कंठमां परंपराथी जळवायेला लोकगीतो भेगा कर्या अने नवा गीतो लख्याय खरा। एमनुं आ बधुं ज काम एटले के वार्ताओं के गीतों भेगा करवानुं काम मोज पड़े एवुं हशे, पण सहेलुं हशे? न तो वाहन व्यवहारनी पूरती सगवड़, न तो भोजन इत्यादिनी। मोटे भागे घोड़े बेसीने रखड़पट्टी करवी पड़ती, तो वड़ी क्यारेक ऊंट पर निकळवुं पड़तुं। रेकॉर्डिंग करी लेवानी सगवड़ पण न होती। एक वखत ઝવેરચંદ पोरबंदरना बरडा महालना बगवदर बाजू गया। गया तो हता वार्ता शोधवा, खूब फर्या पण वार्ता न मळी। आंटो निष्फळ लाग्यो ने पाछा फरता हता त्यां याद आव्युं के आ तरफना मेराणीओ रासडा बहु सरस ले छे ने मन थयुं के चाल प्रत्यक्ष सांभळो। घणी मेहनत करी पण कोई संभळाववा तैयार थाय तो ने। अजाण्या आगळ कोण गावा बेसे? तेओ हताश थई गया। त्यां तो एक मेराणी मळ्या, ढेली बहेन एमनुं नाम। तेमणे पौणी रात जागीने गीतो संभळाव्या। मेघाणीनो हाथ लखतो रह्यो, कान सांभळता रह्या ने एमना हૈયાને લાગ્યું કે ગીતે મઢી આ રાત પોતે કદી ન ભૂલી શકે। આવા આ ઢેલી બહેન મેઘાણી વિશે કહે છે, ધોળા ધોળા લુગડામાં મોટી મોટી આંખ્યું, નીસી ડાળીને મારે આંગણ ઈવડાઈ ઊભા હતા, જોતા જ આવકારો દેવાનું મન થાય ઈવો માણસ। મેં તો ઓટલીએ ગોદડું પાથરી દીધું ને બેસાડ્યા। હું હેઠે બેસવા જતી ત્યાં પગે પડીને હમ તમે અહીં ઉપર બેસો, નહીંતર હું નીચે બેસું એમ કહીને મને ઉપર બેસાડી। પછી તો એમને જે ગીતો જોતા હતા તેની અર્ધી કડીઓ પોતે બોલે ને હું ગીત પૂરું કરી દઉં। પોતે નીચી મુડકી રાખીને ઝીણા ઝીણા અક્ષરમાં ટપકાવીએ જાય। એક પછી એક ગીત મધરાત સુધી ગાયા। आवा तो केटलाय प्रसंगों हशे, पण ईस्वीसन 1928 नो एक प्रसंग खूब ज यादगार छे। कविश्री दुलाभाया काग साथे तेओ गीर मां तुलसी श्यामनी नजीक चारणोंनो एक नेस छे त्यां गयेला। त्यानी हीरबाई नामनी 14 वर्षनी एक चारण कन्या एकलीए पोतानी वाछडीने मारनार विकराळ सिंहने वाछडीनुं मांस चाखवा न देता लाकड़ी वती हाँकी मूक्यो। ए प्रसंग विषे काग बापूना ज शब्दों तुलसी श्याम थी 2 गांव अमे खजूरी ने नेसड़े हता, त्यां रीढ़ थई, हावज डणक्यो, हाकोटा थावा मांड्या, रोडकोड वेड़ा थई हती, खांडू धण झूपड़े आवता हता। तेमांथी हीरबाई करी एक चारणबाईनी ओळखीने हावजे पादरमां ज पाड़ी। अमे बधा दौड़्या, 20 जण हता। ज्यां धार माथे चढ़्या त्यां तो हीरबाई क्यारनी त्यां पहोंची गई हती। मरेली वोड़की पर ए चारण कन्या चढ़ीने हावज सामे सोटो वीचती हती। हावज 2 पगे सामो थई होकारा करतो हतो। बाई हावजना फीणथी नाही रही, पण गायने चारणी बाईए हावजने खावा न दीधी। ए वखते चारण कन्या गीत मेघाणीभाई कागड़ कलम सिवाय रचीने गावा लाग्या। एमनुं शरीर जागी उठ्युं, आँखो लाल ध्रमेल तांबा जेवी थई गई। ए पण हावज तरफ दौड़वा लाग्या। अमे एमने मांड मांड पकड़ी राखेला। वेणीना फूल अने किल्लोल मां बाळको अने किशोरो माटे गीतो आप्या। ए बधा गीतो कोईने गमी जाय। मेघाणीए अद्भुत वार्ताओ पण आपी। तेमनी सौराष्ट्रनी रसधार विषे कयो गुजराती जाणतो नहीं होय। लोको पासे सांभळीने भेगी करेली आ कथाओ जेम बोलाती होय तेम तेमणे उतारीने लखी छे। केटलीक वार्ताओमां पोतानी कल्पनानो रंग चढ़ावीने लोकोने गमे एवी बनाववानो प्रयत्न पण तेमणे कर्यो। जटो हलकारो, हीरबाई, कानियो झांपड़ो ने आपा शादूड़, जोगीदास खुमाण, आपोरतो, दाना भगत, संत देवीदास वगैरे बधा साचकला ने खमीरवंता पात्रों आँखों में पाणी, हैया में शौर्य अने रुवाड़ा उभा करावी न दे तो ज नवाई। उमाशंकर जोशी मित्र भावे तेमने कहता के कयामतने दिवसे तमारी बूम पड़शे त्यारे क्या गयो पेलो लोक साहित्य वाड़ो एम पड़शे। त्यारे हसता हसता ઝવેરચંદ મેઘાણી कहता के एवी ज बूम पड़े ए मारी अंतरनी आकांक्षा छे। 9 मार्च 1947 सुधी मेघाणीए घोड़ी घोड़ी ने भरेला कसुंबल रंगी लोक साहित्यना प्याला लोको होंशे होंशे पीता ज रहेशे। सारांश लोककथा ए जीवननो अमूल्य वारसो छे। तेनी संस्कृति अने तेनो इतिहास गांधी युग में जीवन अने ग्रामीण लोकोना गांधीजीना दृष्टिकोणने कारणे आवा वर्गना लोको अथवा समाजने महत्व मळ्युं, तो बीजी तरफ अभण अने डोंगराळ विस्तारों में रहता शहरी ज्ञान वगरना जीवन भौतिक सुख सुविधाओथी वंचित एवा घणा लोको द्वारा संग्रहित साहित्य मात्र मौखिक हतुं। स्वरूप वैज्ञानिक तपासनी भूमिका विना लोककथा संशोधननुं प्रारंभिक बिंदु त्यांथी शरू थयुं छे। रणजीतराम वावभाई मेहताए गुजराती साहित्य परिषद ने लोकगीतों पर 2 व्याख्यान आपी लोकगीतों प्रत्येनो आदर व्यक्त कर्यो हतो। परिणामे तेणीने वर्तमान पत्रों में व्यापक प्रसिद्धि मळी अने मुंबईना घणा अखबारोए सुनंदाना लेखों प्रकाशित करीने आ कार्यने आगळ धपाव्युं। ए पछी ઝવેરચંદ મેઘાણીએ लोकसाहित्य क्षेत्रे एवं महत्वनुं कार्य कर्युं के तेओ लोकसाहित्यनो पर्याय बनी गया। वेणीना फूल। फूल ए कुदरतनुं हास्य छे। फूलना रंग अने सुगंध व्यक्ति तथा वातावरणने खुशीथी तत्पर करी दे छे। विविध संस्कृति साथे भारत देश घणा बधा तहेवारो, रिवाजों अने परंपरा साथेनो देश बनी गयो छे, ज्यां फूल हमेशा महत्वनी भूमिका भजवे छे। हिंदू धर्म में पूजा विधि में फूलनु घणु महत्व छे। मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुथवा वेणी। मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुथवा वेणी। अपना देश मनीर खुटिया ने सड़के काढ़ दुकान, अपना देश मनीर खुटिया ने सड़के काढ़ दुकान। हे फूल विना मारी बेनड़ी तारा शोभता नोता पण मारे घर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। बाग बगीचा ना रोप नथी बेनी उगता मारे घेर, बाग बगीचा ना रोप नथी बेनी उगता मारे घेर। हे मोगरा डोलर जाए चंबेलीनी, मोगरा डोलर जाए चंबेलीनी मारे माथे नथी मेर, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। रूप सुगंधी हूँ कई नो जानो डूंगरा नो गोवाण, रूप सुगंधी हूँ कई नो जानो डूंगरा नो गोवाण। हे आवड़ बावड़ आकड़ा केरी, आवड़ बावड़ आकड़ा केरी काठिया माथड़ नान मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। डूंगरानी ऊंची टोच उभेला रातड़ा गुलेनार, डूंगरानी ऊंची टोच उभेला रातड़ा गुलेनार। हे सांप वीट्या पीड़ा केवड़ा मारी, सांप विट्या पीड़ा केवड़ा मारी बेन साटू वीणनार मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। पाड़ तणे पे टाड़ो गेला लाल करेणी ना झाड़, पाड़ तणे पे टाड़ो गेला लाल करेणी ना झाड़। हे केशुडला केरी वाकड़ी कड़ियो, केशुडला केरी वाकड़ी कड़ियो वीणीश छली डाड़ मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। खेतर वच्चे खोई वाड़ी ने फूल झीणा खोड़ीश, खेतर वच्चे खोई वाड़ी ने फूल झीणा खोड़ीश। हे वागश काटा दुखश पानी, वागश काटा दुखश पानी तोय जरके न बिश मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। मोढड़ानो मचकोड़ जे बापू जोई जंगल ना फूल, मोढड़ानो मचकोड़ जे बापू जोई जंगल ना फूल। हे मोरली वाड़ा ने माथड़े ए तो, मोरली वाड़ा ने माथड़े ए तो ओपता ता अणमूल मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी नानी तारी गुठवा वेणी। भाई भाभी बे भेड़ा बेसीने गुथशु तारे छूल, भाई भाभी बे भेड़ा बेसीने गुथशु तारे छूल। हे थोड़ी घड़ी पेरी राखजे वीरना, थोड़ी घड़ी पेरी राखजे वीरणा वेणील वेणी फूल मारे घेर आवजे बेनी लांबी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी लांबी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी लांबी तारी गुठवा वेणी, मारे घेर आवजे बेनी लांबी तारी गुठवा वेणी। आ काव्यમાં નાની બહેનને ભાઈ વેણી ગૂંથવા માટે બોલાવે છે। દેશમાં વર્ષાના અભાવે દુકાળ પડ્યો છે। ફૂલની વેણી વિના બહેનીના વાડ શોભતા નથી। ભાઈના ઘરે બાગ બગીચા કે રોપા નથી, તેથી મોગરા, ડોલર, જુઈ, ચમેલી વગેરે નથી। વળી ભાઈ એના રૂપ સુગંધ કાંઈ જાણતો નથી, કારણ કે એ ડુંગરાનો ગોવાળ જે ફક્ત આવડ બાવડ આંકડો વગેરેના કાંટાની વચ્ચે અટવાઈ રહે છે। ડુંગરની ટોચ જેવી ગુલનાર, કેવડો, કરેણ, કેસુડો વગેરે જેવા ફૂલો મળતા હોય છે। ભાઈ કહે છે કે એ ખેતરો વચ્ચેથી ઝીણા ફૂલ શોધવાનો પ્રયાસ કરશે, એમ કરતા પગમાં કાંટા વાગશે, પગની પાની દુખશે તો પણ ડર નથી। જંગલના ફૂલ જોઈને મોઢું ના મચકોડીશ। આ બધા ફૂલ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનની પણ શોભા વધારે છે। ભાઈ ભાભી બંને ભેગા મળીને તારા માટે વેણી ગૂંથીશું, ના ગમે તો પણ અમારી લાગણી ખાતર થોડો સમય પહેરી રાખજે। આ કાવ્યમાં ભાઈનો બહેન પ્રત્યેનો પ્રેમ દર્શાવાયો છે।